ओम शांति, आपको स्वागत है। आज हम पिछले एक दिन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल समय ना होने के कारण रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो आज हम करेंगे 18 अगस्त की शिरोदान की रिकॉर्डिंग, जिसमें परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि एक शब्द सिर्फ, मेरा गॉडफादर। सिंपल, गॉडफादर कहने से हम उनको, फादर कहना मतलब बाबा, तो मेरे परमपिता परमात्मा, परमपिता कहें या मेरा बाबा, सिंपल टर्म्स में फादर हुए आत्मा के फादर, ना कि फिजिकल फादर, बिकॉज फिजिकल पेरेंट्स तो हर किसी का अलग है, लेकिन परमात्मा कहते हैं, जब तुम मेरा बाबा कहते हैं तो अपने आप को आत्मा समझ करके मेरा बाबा कहो, तब जाके कनेक्शन बैठेगा। शरीर समझने से मेरा बाबा तो फिजिकल पेरेंट्स याद आ जाएंगे, लेकिन वो है आत्मा के पिता, मतलब ज्ञान के पिता, आत्मा को ज्ञान देने के, आत्मा में रोशनी प्रकाश देने के, आत्मा में इल्म बोले, आत्मा में रूह या रूहानियत या आत्मा में प्रकाश देने वाले बाबा। तो परमात्मा कहते हैं कि पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहजयोगी भवा। एक होगी पहाड़ को राई बना दो, एक होता है पहाड़ को रुई बना दो। तो परमात्मा आज उस दोनों का शब्द का अंतर बताएंगे। तो सहजयोगी बनने के लिए, मतलब कि सदा ही परमात्मा याद रहा है हमें, कोई परिस्थिति आ गई तो उसके अंदर इतना उलझ गए कि भगवान ही भूल गया, कोई मुश्किल आता आ गई तो इतना भूल गए, इतना उलझ गए उसके अंदर कि भगवान ही भूल गया। तो परमात्मा कहते हैं, मुश्किल आए तो मेरा बाबा कहो, परेशानी आए तो मेरा बाबा कहो, या कोई पीड़ा आए तो मेरा बाबा कहो, ताकि मेरे साथ योग ना टूटे, बिकॉज माया चाहेगी कि परमात्मा के साथ में हम आत्माओं का कनेक्शन टूट जाए और हम दुख की दुनिया में और ही ज्यादा हम फैलते जाएं और घुसते जाएं। होता है ना रैबिट होल, जितना नीचे जाओगे उतना ही गहरा दिखता जाता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उस रैबिट होल से हमें परमात्मा निकाले। तो परमात्मा कहते हैं, सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कुछ हुआ, लोग कैसे कहते हैं, हाय राम हाय राम हाय राम कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, हाय राम कहने की जरूरत नहीं है, मेरा बाबा कहो उसकी जगह। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ये क्या हुआ, ये नहीं, मेरा बाबा कहो, डर के नहीं, खुशी खुशी प्यार से, वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। बाबा ने राई नहीं कहा, बाबा ने आज कहा रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत, उसको भी थोड़ा दबाने में तोड़ने में टाइम लगता है, मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात कई रुई समान हल्की हो जाएगी, कितनी भी बड़ी बात कई मुश्किलातों वाली, वो भी क्या हो जाएगी, रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे, ये कैसे होगा, अरे ये कैसे हो सकता है सर जी, नहीं हो सकता साहब, भाई साहब नहीं हो सकता ये, बहन जी अरे मुश्किल है, ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, होगा। और आप कहेंगे, ये ऐसे होगा, क्योंकि हमारे साथ में परमपिता परमात्मा है, तो हर चीज का सोल्यूशन वो दे देते हैं, हर मुश्किलात से वो युक्ति से हमें बचा करके निकाल देते हैं। तो फिर परमात्मा कहते हैं, बाबा का और बुद्धि में टच होगा, मतलब बुद्धि के अंदर जो ताले हैं, जो बुद्धि अभी फोकस हुई हुई प्रॉब्लम की तरफ, ये है ऐसे प्रॉब्लम, ये कर देंगे वो ऐसे कर देंगे, वो ऐसे बोल देंगे ये ऐसे कर देगा, उसमें अगर एक बाबा, मेरा बाबा कहा, कुछ समय के लिए उन प्रॉब्लम्स को हटाया और फिर बाबा के ऊपर ध्यान दिया, मेरा बाबा कहा, वहीं पर सॉल्यूशंस टपकने शुरू हो जाएंगे। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा, मतलब गाइडेंस किससे आई, परमात्मा से आई। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों से, 10 लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं, तुम दुनिया से क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन मैं रचेता जो हूँ, जो माया का भी पति हूँ, मायापति, मतलब कि माया जो प्रॉब्लम्स आती हैं, काम करो लोम ओंकार औरों के अंदर है, बच्चों के अंदर, उसका भी मैं अगर पति हूँ, मायापति हूँ, तुम मुझसे नहीं पूछते हो कि बाबा, मेरे बाबा क्या करना चाहिए सिचुएशन में, आप मुझे गाइड करिए, और फिर चुप हो गए, अपनी बुद्धि नहीं चलाई, ये करो ये करो ये करो ये करो। बाबा कहते, पूछते मेरे से, फिर बुद्धि चलाना शुरू कर देते हो और वहां पर थक जाते, फिर योग नहीं लगता है। तो कहते हैं, मेरा बाबा कहा, भूले उसको और आगे बढ़ना शुरू कर दिया और कामों में बिजी हो गए। तो कहीं ना कहीं से अचानक टचक, अरे हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा बाबा कहा और फिर मेरे बाबा ये क्या करूं, ऐसे करूं कि बाबा ऐसे करूं, बाबा ये करूं वो करूं, बाबा ये करूं ये करूं ऐसे करूं, ऐसे करता हूँ, मतलब कि अपनी बुद्धि चलानी शुरू हुई, मन मत चलानी शुरू हुई, बुद्धि भारी हुई, थके और फिर गड़बड़ डिसीजन लिया। तो मेरा बाबा कहा और हल्के हो जाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया भगवान के नाम गाओ और उसके फिर काम ना करो, नहीं ये वो बात नहीं है। कर्म तो हम और कर्मों में बिजी हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन आई है सामने, उसको अगर हम पकड़ के बैठ जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें वहां से अपना फोकस हटाना है और चीजों में जो बाकी जो काम रह गए उनमें काम अपना बुद्धि लगाओ
और भी चीज़ें ना, एक चीज़ तो नहीं जिंदगी में, उन चीज़ों में बुद्धि लगाओ, मेरा बाबा के ऊपर छोड़ दो और बस कुछ समय के बाद में, कुछ राइट टाइम के बाद में तुम्हें वो टचिंग आएगी, अच्छा ऐसे कर सकते हैं या कहीं से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, हल्की फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पे हमें आंसर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हर सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमारी जो बुद्धि होती है ना, हमारा जो मन होता है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, सोच सोच के और उसे पूछ पूछ करके। 10 लोगों से पूछोगे 10 लोग अपनी कहानी बताएंगे, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है वो हमें ही पता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी जो सिचुएशन है उसको तुम सिंपल करने के लिए मेरे बाबा बोलो, मेरे बाबा आपके ऊपर है। फिर सोचना शुरू कर दो, क्योंकि फिर तुम कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे इसको, या किसी से पूछना शुरू कर दो और कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे इसको। तो यह है परमपिता परमात्मा का आज का वरदान। और इसमें लास्ट में परमात्मा कहते हैं, बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसे करो तो यह सहज हो जाएगा, यही सहज योगी जीवन है। लोग बोलते हैं भगवान मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल है, परमात्मा कहते हैं तुम अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाते हो, मेरे से मेडिटेशन तो होते नहीं है, मेरे से बातें तो करते नहीं हो, मेरे ऊपर तो छोड़ते नहीं, अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाते हो, थके हुए होते हो तो फिर कैसे मेडिटेशन होगी। तो कैसे छोड़ें, अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो ये छोड़ना ना छोड़ना हमारे ऊपर है। अगर आप किसी डाल के ऊपर बैठे हुए हो और बोले कि मैं कैसे छोड़ूं, तो फिर ये कौन बताएगा आपको। ओम शांति इसके साथ।